हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अगेन इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। और आज मैं बनाने जा रही हूँ नींबू का अचार। दादी माँ नानी वाले नुस्खे वाला नींबू का अचार, कभी ना ख़राब होने वाला नींबू का अचार। तो मैं बना रही हूँ नींबू का अचार, और आप भी देखें और आप भी बनाएं, ये कभी भी ख़राब नहीं हो। तो मैंने नींबू ले लिए हैं और अब अच्छे से धो के सुखा के, और अब मैं इनको काट लूँगी। तो ये नींबू मैं इस तरीके से काट लूँगी, मतलब ये नींबू का अचार जो है ना, जैसे आप इनको गर्मियों में खाओगे ना तो मतलब बहुत अच्छा लगेगा, जिसका मतलब गर्मियों वगैरह में जैसे बीपी लो वगैरह हो जाता है ना, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एज अ बूस्टर वो इसको खा सकते हैं अचार को। और सर्दियों में ही डलता है जो नींबू का अचार है, वो सर्दियों में ही डलता है, क्योंकि इसके मोटे मोटे छिलके होते हैं ना, मोटे छिलके वाला जो नींबू होता है वो सिर्फ सर्दियों में ही मिलता है, बाकी तो गर्मियों में फिर वो सदाबहार वाला होता है, पर वो मतलब इतने अच्छे नहीं होते हैं नींबू। और इस तरीके से आप जार ले लेंगे, और ये अच्छे से धोया और धूप में सुखाया हुआ है, और इसमें डाल देंगे अपने सारे नींबू। बन गया चार नींबू का, बन गया मम्मी, बन गया नींबू का चार। अब मिनट में मिनट अंदर बनी है, ऊन दे देना तुझे खाने। आए नहीं दिए अंदर तक, छोटे छोटे पीस किए थे आपने उसमें, बड़े बड़े। ये नींबू मैंने इसमें डाल दिया है, अब मैं इसमें साथ में डालूंगी नमक। और इसके साथ में डालूंगी ये नमक डाल दिए है, और नमक के साथ अब मैं इसमें डालूंगी चीनी, और चीनी को अच्छे से इसमें डाल देंगे, और ये खुद ब खुद जैसे हम धूप में रखेंगे इसको 5 दिनों के लिए, तो ये 5 दिनों में जो है चीनी और ये जो है नमक, ये अच्छे से नींबू के साथ मिक्स हो जाएगा, और ये खुद ब खुद इसको मतलब हिलाते रहेंगे, तो ये चीनी जो है खुद सारे नीचे नीचे वाले नींबू उसमें मिल जाएगी। तो ये इस तरीके से मैं इसको टैप कर रही हूँ ताकि चीनी नीचे भी चले जाए और स्पेस भी हो जाए थोड़ा सा। इसके साथ में डाल दूंगी मीठी सौंफ, और इसको मैं कर लूँगी बंद, ये अच्छे से मिक्स। और इस डब्बे को जो है मैं ऐसे ही 10 से 15 दिन धूप में रखूंगी, और ये अपने आप मेल्ट हो जाएगा, और ये जो चीनी और नमक है ये भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, और एकदम इंस्टेंट खाने के लिए रेडी हो जाएगा। और मतलब ये जो है ना, इतना अच्छा टेस्टी लगता है ना खाने के लिए गर्मियों में, आजकल तो मतलब अच्छा ही लगता है, पर गर्मियों में ये खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है नींबू का अचार। आप भी बनाएं, और ये कभी भी ख़राब नहीं होगा, बस इसको आपने ये करना है कि धूप में अच्छे से सुखाना है, डब्बे को अच्छे से धो के लेना है, और जब भी इसको खोलना है तो इसके साथ हाथ नहीं लगाना है, चम्मच लेना है, वो भी सूखा चम्मच लेना है, गिल्ला नहीं लेना। तो व्यूअर्स, मेरे डिब्बे वाले अचार को हो गए हैं 10 दिन धूप में रख के, और मैं आपको दिखाऊँ मतलब सारी जो चीनी है और जो नमक है। एक चीज़
ये मेरा डिब्बे वाला अचार है, ये मेरा डिब्बे वाला अचार है जो मैंने एक थाली में निकाल दिया है। और ये मतलब गल गया है, जो इसका छिलका था ना, मतलब वो इतना हार्ड था और अब इतना सॉफ्ट हो गया है। और इसका आप देख रहे हैं पानी भी साइड में, ये चीनी और नमक का ही पानी है और नींबू का पानी है, और जो चीनी है हमारी वो बिल्कुल ही मेल्ट हो गई है। और अब हम क्या करेंगे इसमें, बिना किसी तड़का लगाए हुए हम जो है, मैंने ले लिए हैं मसाले। मेरे मसालों में आती है पहली बड़ी इलायची, साथ में मैंने लिया है अपना अजवाइन, अजवाइन ली है साथ में मैंने ले लिया अपनी अजवाइन, फिर मैंने ले लिया है धनिया, फिर मैंने ले लिया मिट्टी सौंफ, फिर इसमें मैंने ले लिया है जीरा, और साथ में ले लिया मैंने 7 से 8 लाल मिर्चें। और मैं इसको अब कुछ भी नहीं करूँगी, जो मेरे जीरा है, मिट्टी सौंफ है और धनिया है, मिर्चें हैं और बड़ी इलायची, इसको मैं कर लूँगी रोस्टेड। और जो हमारी अजवाइन है इसको मैं बिना रोस्ट किए हुए ही अपनी इसमें अचार में डालूँगी। तो मैं कर लेती हूँ इसको रोस्ट, रोस्टेड। और जो हमारी अजवाइन है इसको मैं बिना रोस्ट किए हुए ही अपनी इसमें अचार में डालूंगी। तो मैं कर लेती हूँ इसको रोस्ट। तो ये मैंने कढ़ाही ले ली है कि बाकी जो मेरे मसाले हैं, और ये सारे मसाले जा रहे हैं कढ़ाई में थोड़ी थोड़ी देर के लिए भूनने के लिए, और उसके बाद इसको मैं ग्राइंड करूँगी और अपनी अचार में डाल लूँगी। ये देखिए मेरी मिर्चों का कलर जो है थोड़ा चेंज हो गया है, और ये जो धनिया वगैरह है ना इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इसको बस इतना ही रोस्ट करना है, और गैस कर दिया मैंने बंद। और अब मैं इसको डाल लूँगी थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको। तो ये जो है मेरे मसाले जो हैं ठंडे हो गए हैं, और इनको मैं कर लूँगी अब ग्राइंड। ये मैं समझ मसाला डाल रही हूँ, और ये मैंने सारा मसाला डाल लिया है। ये मसाला डालने के बाद मैं इसको अच्छे से कर लूंगी मिक्स। दस दिन हमने इसमें चीनी और नमक डाल के रखा, और 10 दिन अब हम इसको मसाले के साथ डाल के बाहर रखेंगे, और इसके बाद ये हमारा जो अचार है वो रेडी हो जाएगा, हमारा अचार जो है छुपर। और ये जो है मैं उसी डिब्बे में ये वाला अचार जो है फिर से डाल दूंगी, सारा का सारा उसी डिब्बे में अपना सारा का सारा अचार डाल दूंगी। ये मेरा अचार मैंने डाल दिया अपने उसी जार में डाल दिया है, और इसको मैं एटलीस्ट 10 दिन के लिए फिर से धूप में रखूँगी, धूप में भी छाँव में भी बाहर ही रहने दूँगी, और देखने मेरे को मस्त लग रहा है। इसमें थोड़ी सी कड़वाहट है, पर 10 दिन और रखेंगे तो ये जो हमारा मसाले है इसका फ्लेवर इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं रहेगा। और इसको हमने 10 दिन में, दिन में एटलीस्ट 2 बार इस तरीके से हिलाना है, मतलब उल्टा भी करना है, उल्टा करना है और सीधा करना है, एटलीस्ट 2 बार इस तरीके से करना है, और ये हमारा कभी ना ख़राब होने वाला अचार रेडी हो गया है। ये मेरा दूसरा वाला अचार है, जो सिंपल मैंने इसके अंदर चीनी और नमक और अपना अजवाइन और मिट्टी सौंफ डाली थी, ये मैं इसी तरीके से रहने दूंगी, इसके अंदर मैं मसाला नहीं डालूंगी, और इसको भी इसी तरीके से 5 या 10 दिनों के लिए बाहर रहने दूंगी, और ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। और ये अचार जो है ना गर्मियों में खाने के लिए बहुत मस्त लगता है, मतलब जैसे गर्मियों में हमारा दिल मिर्ची वगैरह खाने के लिए नहीं करता है ना, तो ये वाला अचार जो है ना आप गर्मियों में जब जैसे आपका बीपी लो हो रहा है या कुछ हो रहा है ना, आप ये इंस्टेंट के ले सकते हैं, ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा ये वाला, तो आप भी बनाएं। और ये अचार जो है मेरी नानी ने मुझे बताया था, और जहाँ तक मुझे याद है कि उनके बताए हुए नानी के नुस्खे जो है कभी भी ख़राब नहीं होते हैं, बनाया हुआ अचार कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो आप भी बनाएं और खाएं,
और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपने बनाया था और आपके जो अचार है वो कैसा रहा कैसा नहीं रहा। बाय व्यूअर्स।